In class, next topic is compound epithelium. Compound epithelium is also called stratified epithelium. Compound epithelium is called stratified epithelium. Why it is called stratified epithelium? Because it is multilayered. Then if we talk about the type of compound epithelium, it is, first is compound stratified squamous epithelium, compound squamous epithelium. Second is compound columnar epithelium. Third is compound cuboidal epithelium, and last is transitional epithelium. Transitional epithelium. Compound squamous epithelium, it is multilayered and it is of two types. Keratinized and non-keratinized. Keratinized and non-keratinized. अब एक और जो आपको ध्यान में रखना है, सबसे नीचे वाली लेयर, सबसे नीचे वाली लेयर पे सेल मिलेंगी, कुबोइडल सेल और कोलुमनर सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन एज सच मिलेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा. और जो नीचे सेल मिलेंगी, दीज आर कुबोइडल सेल और कोलुमनर सेल. हर एपिथीलियम में, जो भी मल्टी लेयर्ड एपिथीलियम है, उसमें नीचे जो भी सेल होंगी वो कोलुमनर होंगी या कुबोइडल होंगी. जैसे दिखाया है, कोलुमनर है तो अपने न्यूक्लियस राउंड रखने हैं, कोबोइडल है न्यूक्लियस राउंड रखने हैं, कोलुमनर है तो न्यूक्लियस आपने इलोंगेटेड करना है. और इसके बाद सेल थोड़ी थोड़ी फ्लैट होती जाएंगी, फ्लैट होके थोड़ी पॉलीहेड्रल होती जाएंगी ये. अब यहाँ जो कोबोइडल एपिथीलियम है उसको जर्मिनेटिव एपिथीलियम भी बोलते हैं. जर्मिनेटिव एपिथीलियम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स. काफी सारी लेयर्स को देता है ये सेल्स की, इसलिए इसको जर्मिनेटिव एपिथीलियम बोलते हैं. जो ये जर्मिनेटिव एपिथीलियम है, आप यहाँ ये इंटरमीडिएट लेयर बना रही हूं मैं. सेल तुमने पॉलीहेड्रल दिखानी है, पॉलीहेड्रल के साथ साथ न्यूक्लियस राउंड ही रहेगा, ये इस टाइप से सेल दिखानी है. पर सेल को थोड़ा फ्लैट करना है, ये फ्लैट करते जाना है, ये सेल्स को ये फ्लैट करते जाना है, सेल्स को ये ऐसे फ्लैट करना है. तो ये जो लेयर है इसको हम बोलेंगे जर्मिनेटिव लेयर, जर्मिनेटिव लेयर. इनको हम बोलेंगे ट्रांजिशनल और इंटरमीडिएट लेयर. ट्रांजिशनल और इंटरमीडिएट लेयर, और नीचे वाली को बोला हमने जर्मिनेटिव लेयर. तो ये आपने दो तीन लेयर और दिखानी है. ऊपर की जो सेल है, ऊपर सेल फ्लैट होती चली जाएंगी, ये फ्लैट है, ये ऐसे अपने फ्लैट सेल दिखानी है ऊपर. दिस इज स्क्वेमस एपिथीलियम. ऊपर की सेल जो होंगी वो डेड सेल होंगी. दिस इज कॉल्ड अपर लेयर. अगर अपर लेयर में एक प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है, इसको हम हॉर्नी लेयर बोलेंगे. हॉर्नी लेयर इज ऑफ डेड सेल. अगर प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड केराटिनाइज्ड लेयर. केराटिनाइज्ड लेयर, और इसको हम बोलेंगे केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथीलियम. ये हमारी स्किन पे मिलता है, स्किन की अपर लेयर पे केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, और केराटिन प्रोटीन के डिपोजिशन के कारण जो हमारी अपर लेयर है ये इम्परमेबल हो जाएगी वाटर के लिए,
और सेकंड है नॉन किरेटिनाइज स्क्वेमस एपिथीलियम। नॉन किरेटिनाइज स्क्वेमस एपिथीलियम में डायग्राम यही बनेगा, ऊपर की लेयर में आपने कैरेटीन का डिपोजिशन नहीं दिखाना है, जैसे हमारा इसोफेगस है वहां मिलेगा, ये प्रोटेक्ट करता है, स्क्रैपिंग से रोकता है, दैट इज दिस नॉन किरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। देन कंपाउंड कोलुमनर एपिथीलियम, नीचे की सेल आप कुबोइडल ही बनाओगे या कोलुमनर बना सकते हो, पर अगर एपिथीलियम कोलुमनर है तो ऊपर की सेल आपको कोलुमनर बनानी है, इस ढंग से दिखानी है ऊपर की सेल। अगर कोलुमनर एपिथीलियम है तो ऊपर की सेल कोलुमनर बनेंगी, अगर कुबोइडल एपिथीलियम है तो ऊपर की सेल कुबोइडल बनेंगी। एग्जाम्पल हम अभी करेंगे, अगर कोलुमनर सेल बना रहे हो तो कंपाउंड कोलुमनर एपिथीलियम या स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथीलियम, अगर क्यूबॉइडल सेल बना रहे हो कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। इसके बाद है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ट्रांजिशनल एपिथीलियम है जिसमें कंप्लीट इलास्टिसिटी होती है, और ट्रांजिशनल एपिथीलियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। बेसमेंट मेम्ब्रेन इट इज एब्सेंट इन ट्रांजिशनल एपिथीलियम। और ट्रांजिशनल एपिथीलियम जितने भी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हैं उनमें मिलते हैं, जैसे ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम है, ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ये सेल बना रही हूं मैं विदाउट एनी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम है रिलैक्स स्टेट में, दिस इज ट्रांजिशनल एपिथीलियम इन रिलैक्स स्टेट, दिस इज रिलैक्स्ड ट्रांजिशनल एपिथीलियम। अब अगर बैलून है आपके पास, बैलून की मेम्ब्रेन देखें, आपको थिक दिखाई देगी बैलून की मेम्ब्रेन, पर उसमें जब पानी भरते हैं तो क्या होता है, बैलून स्ट्रेच हो जाता है, मेम्ब्रेन थिन हो जाती है। सेम यहाँ पे है, जैसे ही स्ट्रेच किया ये मेम्ब्रेन थिन हो जाएगी, जैसे बैलून में होता है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 सेल बनाई है, ज्यादा बना दो, 3 4 5 6 ये सेल तो चलो उतनी ही बनाई, पर क्या हो गया, ये स्ट्रेच हो गया है, और यहाँ पे फिर और स्ट्रेचिंग हो गई है, ऐसे आप इसको पूरा दिखा सकते हैं, ये रिलैक्स स्टेट में है और ये वर्किंग स्टेट में है, दैट इज इन स्ट्रेच स्टेट। तो यहाँ पे हमने देखा दिस इज द ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ट्रांजिशनल एपिथीलियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इन दिस एपिथीलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। देन दिस एपिथीलियम इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूरोथीलियम बिकॉज इट इज फाउंड इन यूरिनरी सिस्टम। देन जब इसको स्ट्रेच करते हैं मेम्ब्रेन थिन हो जाती है, आप जैसे यहाँ देख रहे हो सेल की थिकनेस भी थिन हो गई है। देन नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, दैट इज केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड एपिडर्मिस में मिलेगा, हमारी स्किन में मिलता है, आप स्किन के ऊपर पानी डालते हो तो स्किन में पानी नहीं जाता, क्योंकि ये जो एपिथीलियम है इट इज इम्परमिएबल, इसको हॉर्नी लेयर भी बोलते हैं। नॉन केराटिनाइज्ड में ऊपर वाली लेयर को स्क्वेमस लेयर बोलेंगे, क्योंकि वहां प्रोटीन का डिपोजिशन नहीं है। ये एपिथीलियम मिलेगा ओरल कैविटी, टंग, फेरेंक्स, ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, इसोफेगस, मिडल पार्ट ऑफ एनल कैनाल, लोअर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, वोकल कॉर्ड, वेजाइना, सर्विक्स दैट इज द पार्ट ऑफ यूट्रस, कॉर्निया ऑफ आई, आईलिड्स। स्ट्रेटिफाइड कुबोइडल एपिथीलियम ये एपिडर्मिस बनाता है फिशेज और टेल्ड एम्फीबियन का, टेल्ड एम्फीबियन का एग्जाम्पल है हमारे पास सेलेमेंडर। स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथीलियम एपिग्लोटिस को कवर करता है और मेमरी ग्लैंड डक्ट को कवर करता है।
स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथीलियम लैरिंग्स में मिलता है और अपर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट में मिलता है। इसके बाद हम करेंगे ग्लैंड, वाटर ग्लैंड। ग्लैंड में भी एनी सेल टिश्यू और ऑर्गन विच सेक्रेट सम यूजफुल सेक्रेशन, सेलुलर लेवल पे भी हो सकता है, दैट मीन्स ग्लैंड में भी यूनिसेलुलर, ग्लैंड में भी मल्टीसेलुलर, ग्लैंड के सेक्रेशन पे डिपेंड करते हैं। ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्रेशन दे मे बी एक्सोक्राइन ग्लैंड, वाटर एक्सोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड मे बी एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जिनमें डक्ट होती है और ये डक्ट से अपना सेक्रेशन जहां जरूरत है वहां पोर करेंगे, एपिथीलियम पे पोर करेंगे, क्योंकि जो एपिथीलियम है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन पे भी मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने जितने भी ग्लैंड पढ़े हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड के आपने डक्ट पढ़े हैं, सलाइवरी ग्लैंड पढ़े हैं, फिर आपने पढ़े हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, सभी ग्लैंड्स के पास डक्ट है, अपना पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जहां उनको अपना सेक्रेशन पोर करना होता है, उस डक्ट से पोर कर देते हैं, इनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टलेस ग्लैंड? इनके पास डक्ट नहीं है, दे पोर देयर सेक्रेशन इनटू ब्लड, ब्लड में सेक्रेशन पोर करेंगे, ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड 0.8 सेकंड में सर्कुलेट होता है। जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन है, सपोज हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड ने इसमें हार्मोन डाल दिया है TSH थायराइड ग्लैंड के लिए, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड ने यह हार्मोन डाल दिया है जिसको हमने बोला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है इसके रिसेप्टर इसको रिसीव करने के लिए केवल किस पे प्रेजेंट है? थायराइड ग्लैंड पे प्रेजेंट है, तो इसको ब्लड में से थायराइड ग्लैंड पिकअप कर लेगा, बाकी ऑर्गन्स के पास भी जाएगा पर कोई भी ऑर्गन इसको पिकअप नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप बात करें आपके घर में ही सपोज 10 लोग 10 डिफरेंट जगह पे मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज पूरे एनवायरनमेंट में है पर एक पर्टिकुलर फोन में एक ही मैसेज जाता है क्योंकि उसके रिसेप्टर उस फोन के पास हैं, दैट इज हेयर। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इनके सभी सेक्रेशन हार्मोन होंगे, ब्लड में पोर करते हैं और ब्लड से सर्कुलेट होते हैं और जहां रिसेप्टर होते हैं वो अपने सेक्रेशन को पिकअप कर लेता है। आज तक कभी ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को पिट्यूटरी ने पिकअप कर लिया या पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को थायराइड ने पिकअप कर लिया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं, स्पेसिफिक ग्लैंड अपना हार्मोन पिकअप करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ग्लैंड हैं जिनमें दोनों ही मैकेनिज्म है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, उनका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन है और कुछ पार्ट एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है, ऐसों को बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। दीज ग्लैंड आर कॉल्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी एंड टेस्टिस, these glands are, sorry, pituitary नहीं pancreas, these glands are heterocrine glands। heterocrine gland का मतलब इनके पास दोनों पार्ट हैं जो कि exocrine भी हैं और endocrine भी हैं। अब हम pancreas की अगर बात करें, pancreas से digestive secretion भी निकल रहे हैं तो वो इसका exocrine पार्ट है, pancreas से hormone भी निकल रहे हैं वो इसका एंडोक्राइन पार्ट है, ओवरी ओवरी ओवम सेक्रीट कर रही है जो कि डक्ट के थ्रू जाता है, दैट इज ओविडक्ट। इन द सेम वे टेस्टिस, टेस्टिस सेक्रीट कर रही हैं स्पर्म को जो कि
किसके थ्रू जाता है, वास डेफरेंस के थ्रू जाता है, और ओवरी और टेस्टिस हार्मोन भी सिक्रीट करती हैं जो कि डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं। फॉर एग्जांपल ओवरी सिक्रीट द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन एंड टेस्टिस सिक्रीट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम ग्लैंड करेंगे यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ग्लैंड। मल्टीसेलर ग्लैंड तो ये सभी हैं जो भी आपको करवाए हैं। यूनिसेलर ग्लैंड आपने कोलुमनर एपिथीलियम में पढ़ा है। कोलुमनर एपिथीलियम की ये सेल है, नीचे वही बेसमेंट मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगे। इस सेल में इनवेजिनेशन हुआ, इनवेजिनेशन से ये न्यूक्लियस इलोंगेटेड है। दिस इज कॉल्ड गोबलेट सेल, इसको गोबलेट सेल बोला। ये जो गोबलेट सेल है ये क्या सक्रीट कर रही है, ये म्यूकस सक्रीट करती है। इट इज ओनली द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलर ग्लैंड। केवल जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में गोबलेट सेल अब्सेंट होती है। म्यूकस हमारी सेल को एंजाइम के हार्मफुल एक्शन से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए पेनक्रियाज में डाइजेशन भी एब्सेंट होता है। इसके बाद बात करेंगे हम ट्यूबुलर ग्लैंड की। ट्यूबुलर ग्लैंड ये ट्यूब लाइक ग्लैंड, इनका सिक्रीटरी पार्ट ट्यूब लाइक होगा। इसका एग्जांपल है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। फिर इसके बाद आ जाएंगे ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। ये ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड है, ये इनकी मेन डक्ट है। दीज आर ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड, ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। फिर आप कॉइल्ड भी दिखा सकते हैं। दीज आर कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड, कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। और फिर ये आपके हैं कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड में आपको यहां ऐसे दिखाने हैं, इसमें भी आपको चार पांच ऐसे ही दिखाने हैं। यहां सब में आपको कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड दिखाने हैं। दीज आर कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। ऐसे ही हम बात करेंगे, ये तो है शेप में, केवल शेप में डिफरेंस है। फंक्शन सभी का सेक्रीशन है, लोकेशन अलग अलग हो सकती है। सेक्युलर ग्लैंड की बात करेंगे। सेक्युलर ग्लैंड जिनमें सैक लाइक पोर्शन होगा, सेक्युलर ग्लैंड। दीज आर सिंपल सेक्युलर ग्लैंड, सिंपल सेक्युलर ग्लैंड। ये हमारे पास है ब्रांच सेक्युलर ग्लैंड और इसमें हमारे पास कॉइल्ड सेक्युलर ग्लैंड एब्सेंट होंगे। दीज आर ब्रांच सेक्युलर ग्लैंड। इसके बाद ये वैसे ही बनाने हैं आपको। दीज आर कंपाउंड सेक्युलर ग्लैंड। यहाँ पे आपको सेक्युलर ग्लैंड दिखाने हैं, इसी टाइप से ब्रांच लास्ट में भी दिखाने हैं, पांच या छह दिखाते रहे। दीज आर कंपाउंड सेक्युलर ग्लैंड। इसके बाद बात करेंगे कि जो ग्लैंड है वो अपना सेक्रीशन किस टाइप से दे रहे हैं। कभी कभी पूरी की पूरी सेल सेक्रीशन देने में खत्म हो जाती है, तो हम बात कर रहे हैं मीरोक्राइन ग्लैंड। ये हमने सेल बनाई, ये सेल बनाई, इसका इतना पार्ट, ये सेक्रेट कर रहा है अपने सेक्रीशन। दीज आर मीरोक्राइन ग्लैंड। यहां सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल वैसी की वैसी रहेगी। एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड में आप देखें क्या फर्क पड़ता है। ये सेल्स हैं, ये सेल,
ये जो सेल है ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, एपिकल पार्ट का जो सक्रीट करेगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, इतना पार्ट खत्म हो जाएगा। दीज आर एपोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड में कंप्लीट पार्ट ही सेपरेट हो जाएगा। जैसे ये सेल दिखाई आपने, ये सेल दिखाई, ये सेल है, ये होलोक्राइन ग्लैंड की सेल है। जब ये सिक्रीट करेगी तो पूरी की पूरी सेल ही खत्म हो जाएगी, दैट इज होलोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल करेंगे इनके हम नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल आपको मैं एक या दो एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर हम बात करते हैं मीरोक्राइन ग्लैंड की, मीरोक्राइन ग्लैंड में गोब्लेट सेल आ जाएंगी, जैसे इसमें दिखाया भी है, स्वेट ग्लैंड जिनसे पसीना आता है, सलाइवरी ग्लैंड आ जाएंगे और इंटेस्टिनल ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड में दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेमरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड में आएंगे सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड ऑयल ग्लैंड है, कई बार आपको लगता है कि हमारे फेस पे ऑयल आ गया है, स्किन पे ऑयल आ गया है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया एपिथीलियम। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू।